ये रख लेते हैं अभी रिकॉर्डिंग, ध्यान नहीं रहा मुझे। हेलो कर लेंगे, नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जरा से देखो, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हम क्या करेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, हम क्या करेंगे, ये सी ए कमा सी और ओ को ऐसा लिख देंगे। कैल्शियम के बारे में जरा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी ए की वैल्यू 40 है और जेड की वैल्यू 20 है। आप तो जानते हैं ये 20 और यहाँ 40 लिखा हुआ है, ये 6 और यहाँ 12 लिखा हुआ है, या 8 और यहाँ 16 लिखा हुआ है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना लिखूंगा 12 और जेड की वैल्यू कितना लिखूंगा 6। ए की वैल्यू कितना लिखूंगा 16 और जेड की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ जेड की वैल्यू कितनी है 8, आप जानते हैं। इसके बाद आपको तो पता है कि इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन का कॉलम है, ये प्रोटॉन का कॉलम है और ये न्यूट्रॉन का कॉलम है। इसको जरा सा जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, तो आप जानते हैं इधर कितना आएगा 20, प्रोटॉन कितना आएगा 20 और न्यूट्रॉन कितना आएगा 20। आपको तो पता है कि न्यूट्रल एटम में जितना उसका जेड होता है वही इसका एटॉमिक नंबर है, वही इसका इलेक्ट्रॉन है, वही इसका प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड, ए माइनस जेड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 6 और यहाँ पे कितना आएगा 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इक्वल टू जेड, ये सब कॉमन होता है। और न्यूट्रॉन निकालने का ए माइनस जेड, ए माइनस जेड करोगे तो देखो ये आंसर आएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 8, फिर 8, फिर कितना आएगा 8। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, इसको जरा जल्दी से कॉपी करना है, आप जल्दी से कॉपी करेंगे। हो गया, यस सर। देखिए डन सर। सब लोग, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल देखूं, यहां सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल अगर देखूं, तो लिखूंगा यहाँ पे 20 × 1 प्लस 6 × 1 प्लस 8 × 3। 20 × 1, 6 × 1, 8 × 3, कितना होगा ये 50। कैसे पता चला ये, आप तो जानते हैं CaCO3 में CA, CA, C और O3 ये तीन एटम है। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है 20, फिर इसमें देख सकते हैं 6 और इसमें कितना है 8। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात करूं, तो यहाँ लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करूंगा, तो हमारा फॉर्मूला होता था मॉलिक्यूल, जरा फ्लो चार्ट देखेंगे, इनटू इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मॉलिक्यूल की वैल्यू देखूंगा तो कितना है 2na, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाला है कितना है 50 है, तो कितना होगा 100 na। कॉपी कर लेंगे इसको, ये इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है जरा करके आपको बताना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन 6.84 mg, mg लिखा हुआ है ध्यान रखना है, mg ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की स्पेल आउट थोड़ा ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, फ्लो चार्ट पहला लाइन, दूसरा सुक्रोज का मोलर मास, मोलर मास में सुक्रोज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सुक्रोज का फॉर्मूला पिछले क्लास में लिखवाया है, कहाँ लिखवाया है, मोलिकुलैरिटी के पास, मोलिकुलैरिटी के पास उस कंपाउंड का नाम लिखेंगे और उसका मोलर मास जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, जब वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो गिवन वेट कितना है 6.84 mg,
एमजी को ग्राम में कन्वर्ट करके लेकर आएंगे। एमजी को किसे कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। जल्दी से करेंगे, जल्दी से करके आंसर बताएंगे क्या होगा। हो जाएगा सुक्रोज का मोलर मास, जसविंदर बताओ कितना आ रहा है? सर 342। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। सुक्रोज का जो फॉर्मूला है C12H22O11 है, जिसका मोलर मास एक बच्चे ने कैलकुलेट करा। मैंने आपको बताया था, जरा सही से देखें, मैंने बताया था कि कॉपी में यहाँ पे ही मोलर मास कैलकुलेट करना है, इन्हीं साइड साइड में, यहीं पे कहीं साइड साइड में मोलर मास कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं है कॉपी में जाकर पीछे करना है, सामने ही करना है, गलत सही जो भी आएगा पता चलेगा। तो मोलर मास सुक्रोज का जो है, एक बच्चे ने बताया कि 342 है इसका। मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट वाले लिख देता हूँ, 342 इसका मोलर मास। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। इसके बाद इसका मोल निकालेंगे। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना आ रहा है कोई बताएगा? मोल कोई बताएगा कितना आ रहा है? दीपक मोल कितना आ रहा है? सर निकाला नहीं अभी। हाँ जल्दी निकालो, फिर जल्दी सॉल्व करेंगे, बैठने से काम नहीं चलेगा। कम से कम 10 क्वेश्चन तो करना ही है आधे घंटे के अंदर। पुनीत कितना आ रहा है मोल? सर आई एम सॉल्विंग। क्या करना था, इतना आसान काम था। ये देखो ये लिखा हुआ था 6.84, तुम लोग देखो यहाँ पे पता नहीं कैसे पढ़ते। 6.84 कितना रहा है? कितना रहा है सर? 0.40 फिर 2। यहाँ देखो तुम लोग, मेरी पूरी बात समझ नहीं पा रहा मैं क्या चाहता हूँ आपसे। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, लिखा हुआ 6.84 और यहाँ पे 342, लेकिन आपको पता है ये वैल्यू किसमें है? ग्राम में, और ये वैल्यू किसमें है? एमजी में। नलायकू मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ऐसा मेथड भी डेवलप करना है कि मैं समझ में आए कि एक लाइन में आंसर आ जाए। हम जीवन भर पढ़ते रह जाएंगे ऐसे जिम तुम लोग जैसा कर रहे हो। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत आसान मेथड देखेंगे, तो मुझे पता है कि 6.84 को हम इस तरीके से लिखेंगे। जरा देखो 6.84 × 10⁻³ mg के लिए आप जानते हैं, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 342। लेकिन आपको और अच्छे से ये बात पता है कि 6.84 में ये पॉइंट को अगर उधर शिफ्ट कर दें तो ये होगा 684 × 10⁵। जरा यहाँ देखें सब कुछ स्क्रीन पे, और ये होगा 342। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये होगा 2 × 10⁻⁵। उम्मीद करता हूँ शायद समझ पा रहे होंगे। यस यस सर। मैं आपसे बस ये बात कहना चाह रहा था कि कैलकुलेशन तो एक बेवकूफ बच्चा भी कर लेता है जब उसको सिखा दिया जाए। तो हमें ये देखना है कि कैलकुलेशन के टाइम में ऐसा कोई सिंपलेस्ट मेथड ढूंढ के लाना है जिससे हम बहुत सेफ रहें और हमसे गलती ना हो। तो ये हमने कर दिया। अब मॉलिक्यूल अगर निकालना है, यहाँ पे देखो सर मॉलिक्यूल क्यों निकालना है? क्योंकि हमें पता है कि एन के बाद मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। जरा ये रफ है, मॉलिक्यूल के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? एटम्स निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में वो एटम्स पूछ रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ से ही सेकंड फॉर्म में जाना पड़ेगा, सेकंड फॉर्मेट के बाद थर्ड फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। तो हमें मॉलिक्यूल निकालना है। मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, एन इंटू क्या होता है? एन ए। इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू पता है अपने को कितना है? 2 × 10⁵ सॉरी इस तरीके की हमने 2 × 10⁵ और एन ए की वैल्यू लिखूंगा। तो या तो आप ऐसे लिख दो, या किसी बच्चे ने बोला इसको पूरा सॉल्व करके दिखाइए, तो ये इस तरीके से लिखूंगा × 6.023 × 10⁻²। मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर समझाया था, स्क्रीन पे सभी बच्चे देखें और साथ साथ लिखते भी रहे। मैंने समझाया था 2 × 10⁻⁵ लिखूंगा और 6.023 में इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद जब हम लिखेंगे तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएंगे। राउंड ऑफ सर क्यों कर लिया हमने? 0.023 हमें कैलकुलेशन में बार बार डिस्टर्ब करेगा, हमारे ऑप्शन में आंसर रहते हैं, चार ऑप्शन ऐसा पड़ा हुआ रहता है आप जानते हैं, और किसी एक पे टिक मारना है बस अपने को। तो ठीक है, तो दो ऑप्शन है टिक करने के लिए, एक तो बढ़िया से पढ़ के टिक करें, दूसरा जो आपके इष्ट देवता है, भगवान है जिनको आप बहुत मानते हैं, उनका नाम लें और आग मुंह के टिक करें। दूसरा वाला ऑप्शन तो ठीक है ही नहीं, पहले ऑप्शन में काम करना पड़ेगा। 2 × 10⁻²× 6 × 10⁻²³, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 1.2 × 10⁻²⁹ कितना होगा? 19। 1.2 × 10⁻¹⁹ ये लिखेंगे जरा जल्दी से। अब इसमें हमें
कार्बन एटम को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे हम, नंबर ऑफ सी आइटम के बारे में बात करूंगा, तो मैं पता है सुक्रोज का फॉर्मूला ये होता है, जरा स्क्रीन पे देखें, ये फॉर्मूला है सुक्रोज का, तो आप जानते हैं कि कार्बन की वैल्यू इसमें कितनी लिखी हुई है, 12, तो मैं आप लिखूंगा यहाँ पे लिख देता हूँ एटम्स इंटू, आप तो जानते हैं मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, एटम्स की वैल्यू कितनी है 12, और मॉलिक्यूल की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है कितना है 1.2 × 10⁻¹⁹ लिख लो, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते थे 12 × 2 × 10⁻¹⁵ उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो, दोनों सेम लाइन लिखा हुआ है। इसी तरीके से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में अगर मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो यहाँ पे लिखूंगा 22 × 1.2 × 10⁻¹⁹ कितना होगा 10⁻¹⁹। इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो लिखूंगा 11 × 1.2 × 10⁻¹⁹। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, इससे जरा जल्दी से कॉपी करना है आपको। दो क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, जरा दो दो मिनट टाइम लेके जल्दी से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है लिखना है व्हाट वेट फॉर CH4, व्हाट वेट फॉर CH4 इज टेकन which contain 2.42 into 10 to the power 24 into the 10 to the power 24 into 10 to the power 24 atoms of hydrogen। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए और मैं बोलता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व ना हो आप बस क्वेश्चन पढ़ा करें। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एटम्स गिवन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एटम्स गिवन है, एटम हमने देख लिया क्या लिखा हुआ है एटम्स के बारे में, फिर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसके एटम से क्या निकालना है, मास निकालना है। फ्लोचार्ट में पहले मास था, फिर मोल था, फिर मॉलिक्यूल था, फिर एटम्स था, तो इस क्वेश्चन को फ्लोचार्ट को उल्टा कर दिया है। इस क्वेश्चन में पहले एटम्स तो दे दिया है, लेकिन आपसे मास पूछ रहा है, क्या किया है एटम्स देके मास पूछ रहा है। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, 2 मिनट टाइम लेंगे। मिनट टाइम है आपके पास, अमरजीत जल्दी आंसर बताना तुम्हें इसको करके। सर क्वेश्चन फिर से बोलना, पता नहीं लगा मुझे बीच बीच में आवाज कटी। लिखना है व्हाट वेट, इधर लिखता हूँ। अच्छा हुआ सर ये तो लिख लिया, व्हाट वेट फॉर आगे नहीं मुझे पता सर। CH4 मीथेन CH4 इज टेकन विच कंटेन 2.42 इंटू द 10 टू पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2.42 इंटू 10 टू पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और तुम लोग क्वेश्चन लिख ना पाया करो तो बताया करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन हमने लिख लिया है, थोड़ा बता दिया करो, इसमें शर्म किस बात की है।